11 साल पुरानी यूनिवर्सिटी जी है वो देश दियाँ जड़ियाँ 50-60 साल पुरानी प्राइवेट संस्थावान ने उन्होंने मुकाबलेबाजी के निकल के देश की नंबर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है। इन्नी घट उम्र की यूनिवर्सिटी का यह रैंक हासिल करना असंभव लगता सी। विश्व दियाँ जिन्हिया भी यूनिवर्सिटी है ने उन्होंने 771 रैंक ते आई है। इस दे पिछे अध्यापक ते विद्यार्थी इन्ह दोनों की मेहनत इन्हों का उद्यम मैं सारा क्रेडिट उन्होंने देना चाहना। वर्ल्ड रैंकिंग दे विच पोजिशन हासिल की है। इसका सिहरा भी मैं भारत के प्रधानमंत्री जी ने देना चाहना। मैं इदा लगता कि थोड़े चैनल राही मेरा जो सुनेह प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुँचेगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अज एक नवी मल मारी आ प्राइवेट यूनिवर्सिटी टॉप 1 ते पहुँच चुकी है। गल करांगे सतनाम संधू साहब नाल। संधू साहब बहुत बहुत मुबारक। बहुत धन्यवाद जी। देखा जाए यूनिवर्सिटी पहले रैंक ते पहुँच गई, उसके पिछे तुहाडा मेन योगदान है, किवें देखदे हो? नहीं, योगदान मेरा मेन नहीं है। मेन योगदान साडे अध्यापकों का है, साडे विद्यार्थियों का है, जिन्हां दी मेहनत उद्यम के सदका असी यह पोजिशन हासिल की है। नंबर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने नालों अहम गल यह है कि 11 साल पुरानी यूनिवर्सिटी जी है वो देश दियाँ जड़ियाँ 50-60 साल पुरानी प्राइवेट संस्थावान ने उन्होंने मुकाबलेबाजी के निकल के देश की नंबर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है। मैं बहुत निमाणा होकर यह गल कह रहा है कि किसी इन्नी घट उम्र की यूनिवर्सिटी का यह रैंक हासिल करना असंभव लगता सी, पर यह परमात्मा ने कृपा की हो गया। सानू उन्होंने शक्ति बख्शिश की, असी ये कर पाए। इस दे नाल अहम गल होर भी है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिथे भारत दियां प्राइवेट यूनिवर्सिटियां विचों नंबर एक बनी है, उत्थे विश्व दियां जिन्हियां भी यूनिवर्सिटी हैगियां ने उन्हां दे विचों 771 रैंक ते आई है। इन्ने वड्डे मुकाबले विच, विश्व मुकाबले विचों 771 नंबर रैंक प्राप्त करने वाली यह विश्व की सब तो यंगेस्ट यूनिवर्सिटी का माण भी हासिल कर चुकी है। देखा जाए विश्व की संघ तो यंगेस्ट यूनिवर्सिटी बनी है जिन्हें यह माण हासिल किया, थोड़े समय से इस मुकाम पर पहुँच गए, उस कि रोल सेगा? क्योंकि जो भी कोई अगे आता तो परिवार के मुखी का सब तो बड़ा रोल होता। नहीं, ये परसैप्शन है, सब तो घट रोल मेरा रहा है, क्योंकि मेरा एक लिमिटेड रोल है। ज़्यादा रोल साढ़े अध्यापकों का, विद्यार्थियों का है, क्योंकि हुण इहदे जिहड़े पैरामीटर हैगे ने विश्व रैंकिंग दे, इह बड़े बड़े हाई स्टैंडर्ड दे पैरामीटर है। सब तो वड्डा पैरामीटर हैगा रिसर्च दा, खोज कार्यां दा, जिहड़े मैं नहीं करदा, जिहड़े साढ़े अध्यापक करदे आ। दूसरा पैरामीटर हैगा अकैडमिक रैपूटेशन दा, जिस दे विच विश्व दियां जिन्नियां भी यूनिवर्सिटियां हार्वर्ड स्टैनफोर्ड तो लैके उन्हां दे प्रोफेसर दा सर्वे करवाया जांदा, उन्हां दी वोट लई जांदी है, उन्हां तो रेटिंग हुंदी है, उहदे आधार ते किसी यूनिवर्सिटी नूं अकैडमिक रैपूटेशन दे नंबर दिते जांदे आ, जिस दे विच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। इस दे नाल इंपलायर रैपूटेशन, भाव कि जिन्नी भी इंडस्ट्री विद्यार्थियों की प्लेसमेंट करती है उन्हां कोल भी सर्वे जांदा। वो सर्वे सिर्फ भारत दियां नहीं कंपनियां कोल, दुनिया भर दियां, क्योंकि ये वर्ल्ड रैंकिंग है, उन्हां कोल सर्वे जांदा। और उस सर्वे के आधार पर भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंपलायर रैंकिंग दे विच भी टॉप की आ, क्योंकि साडे विद्यार्थियों ने जिस भी कंपनी में गए प्लेस होए उत्थे उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने नाम ना कटिया, उन्होंने एक चंगा प्रभाव छड्डिया, ताकि उन्हां कंपनी के जिहड़े सीईओज़ ने ये रेटिंग दिती है उस दे विच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। ये इस दे पिछे अध्यापक ते विद्यार्थी इन्हां दोनों की मेहनत इन्हां दा उद्यम मैं सारा क्रैडिट उन्होंने देना चाहना। दूसरा क्रैडिट मैं देना चाहना कि साडे देश की जिहड़ी भारत सरकार ने नवी एजुकेशन पॉलिसी लियांदी सीगी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उन्हों अडोप्ट किया, और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस गल नूं लैके भी मुरीद हाँ कि जिन्होंने बहुत वड्डे रिफॉर्म किए एजुकेशन सैक्टर के, जिहड़ी साडी नवी शिक्षा नीति है वो एक क्रांतिकारी शिक्षा नीति है। अज अगर असी नंबर एक पोजिशन हासिल की, इस दे विच बहुत वड्डा रोल है कि उस नीति दे विच वो सारे ही स्टैंडर्ड जिहड़े ने उन्हां दा प्रोविजन किया गया, जिहड़े कि वर्ल्ड रैंकिंग दे विच कम आउंदे है। तो मैं बेनती करना चाहूँगा साडे पंजाब सरकार नूं भी, बाकी संस्थानों नूं भी, कि भारत की जिहड़ी शिक्षा नीति हैगी आ उसनूं जिन्नी जल्दी होवे लागू किया जाए, उन्हों अमल में लिया जाए, ताकि असी वर्ल्ड स्टैंडर्ड से जिड़िया सारिया बाकी संस्थावां वो भी जान। इस दे नाल मैनू इस गल की भी खुशी है कि सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने नहीं, भारत दियां 45 संस्थावां ने
वर्ल्ड रैंकिंग दे विच पोजीशन हासिल की है। इसका सेहरा भी मैं भारत के प्रधानमंत्री को देना चाहना जिन्होंने बहुत ही अगांहवधू प्रोग्रेसिव नीतियां जिहड़ियां अपनाइया। इस दे विच इक बहुत वड्डा फैक्टर है जिहड़ा मैं थोड़े नाल साझा करना चाहना कि हुण 45 यूनिवर्सिटियां दे विचों 14 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट खेत्र दियां, भाव कि प्राइवेट खेत्र नूं भी समानता दित्ती गई। जदों दे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने आ उहदे विच उन्होंने सरकारी ते प्राइवेट का जिहड़ा पक्षपात सीगा वितकरेबाजी खत्म की, जिदे सदका 14 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट खेत्र दियां ने अगे आ के बहुत देश का मान वधाया। अज असी 45 होने का भाव की है कि असी आस्ट्रेलिया जिहदियां 38 यूनिवर्सिटी है उहदे विच हैगियां वर्ल्ड रैंकिंग, असी आस्ट्रेलिया नूं पिछे छड्ड दिता, असी फ्रांस नूं पिछे छड्ड दिता, असी मलेशिया नूं पिछे छड्ड दिता। ये बहुत वड्डी प्राप्ति है और इस गल का सानू एहसास होना चाहिए है कि यह सिर्फ तो सिर्फ 9 सालों के, क्योंकि 9 साल पहला सिर्फ 14 यूनिवर्सिटी सीगियां वर्ल्ड रैंकिंग, वो भी टॉप 500 के भी वो स्ट्रगल कर रही, हूँ 150 रैंक के चले गए, अगले साल हो सकता असी 100 के चले जाइए। मैं भारत सरकार दी बाकी संस्थावां दी गल करदा और 45 यूनिवर्सिटियां दा जाना ये भारत की बहुत वड्डी अचीवमेंट है। सो इनू लैके देश दे प्रधानमंत्री नूं कदे मिलोगे जी? नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी मैं तुहाडे चैनल के माध्यम राही बाबूशाही हर जगह पर देखा जाता है और बाबूशाही की बहुत अहमियत हैगी है। मैंने इदा लगता कि थोड़े चैनल राही मेरा जो सुनेहा प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुँचेगा। लास्ट जाते जाते गल की जो विद्यार्थी थोड़े पढ़ते हैं उन्होंने की सुनेहा दे? मैं सब तो पहला अपने विद्यार्थियों को बधाई देना चाहना, अध्यापकों को बधाई देना चाहना। सुनेहा यही है कि इसकी खुशी मनाने चंगी गल है, लेकिन इस गल का एहसास जरूर रखो कि साड़िया जिम्मेवारियां बढ़ गई। जिहड़ी इंडस्ट्री हुण प्लेसमेंट वास्ते आएगी वो देश की नंबर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पढ़ते बच्चों के जिहड़े म्यार है उस दे बारे एक अलग परसैप्शन लेके आएगी और तुहानू होर मुश्किल जिहड़े इम्तिहान है टैसट है उन्हां विचों गुजरना पएगा ताकि तुहानू होर वधिया बेहतरीन जिहड़े पैकेजेज़ है वो हासिल हो। सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिथे देश की नामवर यूनिवर्सिटी आ गई उत्थे पहला स्थान बनाया प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, देश की सरकार ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने धन्यवाद करते हैं तो विद्यार्थियों अगे बढ़ने प्रेरित करते हैं। चंडीगढ़ तो कैमरा परसन काशदीप के रवि जगत।